कथित बलात्कार के मामले च लुधियाना अदालत च साबका विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के भरा करमजीत नूं पेश किया गया जिथे कोर्ट ने करमजीत नूं दो दिनों के पुलिस रिमांड से भेज दिता है। बीते कल करमजीत सिंह नूं लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिमरजीत सिंह बैंस सने मामले च सत्त मुलजमां ते चार्ज लगे ने। लुधियाना की जिला अदालत सिमरजीत बैंस सने पहला ही सत्त लोगों नूं भगौड़ा करार दे चुकी है। पीड़िता के वकील मुताबिक बाकी के दोषी भी जल्द सरेंडर करनगे। करमजीत का पांच दिन का रिमांड मंगया गया पर अदालत ने दो दिन का रिमांड ही दिता है। प्रॉपर्टी अटैच करने के भी कागज दाखिल किए गए सन। आने वाले दिनों के बैंस ब्रदरस की प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। उधर साबका विधायक बलविंदर सिंह बैंस ने कहा कि कोर्ट से उन्होंने पूरा भरोसा है। मोबाइल रिकवर करना करमजीत सिंह का, क्योंकि इस मोबाइल तो वह पीड़ता ऑब्सीन मैसेज भेजता रहा, थ्रैटनिंग कॉल्स करता रहा। वो मोबाइल की रिकवरी बहुत जरूरी सी। फर्स्ट ग्राउंड साड़ी ये सी, सैकंड ग्राउंड साड़ी ये सी कि अप्रैल दे विच पीओ होने तो बाद ये कित्थे कित्थे छुपया रहा, किहड़े किहड़े लोगों ने इसकी मदद की है उन्होंने बारे पता करना। एंड थर्ड साड़ी ग्राउंड से कि जिहड़े बाकी के छे दोषी है वो कित्थे छुपे हो सकते हैं, बेस्ट उही दस सकदा उन्होंने बारे टिकाणे बारे। ये तीन ग्राउंड नूं लैके असीं सबमिशनस कीतियां सी ऑनरेबल जज साहब कोले पंज दिन दे रिमांड दीआं, क्योंकि अज संडे दा दिन है, ड्यूटी जज साहब बैठे सी, ड्यूटी जज साहब ने दो दिन का रिमांड देता है। जो दो दिन बाद सानू होर नोट महसूस हुई तो होर रिमांड मंगे। ये सारा इन्होंने अपनी जोर अजमाई कर ली है, ना तो इन्हों सैशन कोर्ट तो कोई रिलीफ मिले, ना हाई कोर्ट तो कोई रिलीफ मिले, ना मानयोग सुप्रीम कोर्ट तो कोई रिलीफ मिले। हूँ इन्हों कोई चारा नहीं रह गया सवाए सरेंडर करन तो या गिरफ्तार होने तो। इन्हों हूँ सरेंडर करना ही पैना, अदरवाइज मजिस्ट्रेट साहब के साड़ी जी पीओ दी प्रोसीडिंग चल रही हैं वो ऑप्शन की इन्हों की प्रॉपर्टी की अटैचमेंट के ऑर्डर हो रहे हैं। इन्हों प्रॉपर्टियां अटैच होकर ऑप्शन पर आ जाएगी, इन्हों से सारिया प्रॉपर्टियां विक जाएगी। मैनू रब ते ते जज ते मैनू ते मेरे परिवार नू 100% भरोसा, ते आ जिहड़ा झूठ आ झूठ ही रहना।